दोस्तों ये है कूका की तरफ से आने वाला फ्रेमलेस 32 इंच का टीवी जो कि लेटेस्ट टीवी है। इसमें आपको रिमोट फाइंडर का फंक्शन मिलता है, ये एक एचडी टीवी है, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है, बढ़िया ऑडियो क्वालिटी भी मिल जाएगी, मेटल बिल्ड है, बढ़िया स्टैंड दिया गया है। रिमोट में आपको एक एडिशनल हॉटकी भी मिल जाएगी जिसको आप मैप कर सकते हो किसी भी ऐप पे। डिजाइन इस टीवी का बहुत बढ़िया है, फुली मेटल बिल्ड है, बेजल भी मेटल में ही बनाई गई है, एंड फ्रेमलेस वाली बात ना सच में सच है। गूगल टीवी के एक्सपीरियंस के साथ में आता है, इसमें आप कास्टिंग कर सकते हो, वाईफाई का इसमें बढ़िया सपोर्ट है, 5 GHz वाला ब्लूटूथ वाईफाई, सब कुछ बढ़िया मिल जाएगा, एकदम बढ़िया लैग फ्री एक्सपीरियंस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। पूरी वीडियो में इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं बता सकते ना, तो पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मेरा नाम है उदय शर्मा और आपको अगर टीवी खरीदना है तो यहाँ पर क्या है, 100 रुपये क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको इसका 32 इंच का, 43 इंच का, 55 इंच का, 50 इंच का, जितने भी मॉडल है सबका लिंक मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपने इसके Y73 प्रो वाले मॉडल की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैट डिस्प्ले आती है जिसने सोनी को भी पछाड़ दिया, यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई कार्ड मैंने कल वीडियो डाली थी, बहुत ज़बरदस्त टीवी था भैया, बहुत ज़बरदस्त, वो कूका का था Y73 प्रो। आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। दोस्तों आई होप आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इसका इनिशियल सेटअप करेंगे, अपील्स करेंगे, यूआई, एवी, ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब कुछ है, उसके बारे में बता के लास्ट में आपसे मिलते हैं। लेट्स हैव सम पील्स। दोस्तों इनबॉक्स एसेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है स्टैंड जो कि मेटल नहीं है, पर बिलीव मी ये मेटल से कम ही नहीं है। ये प्लास्टिक स्टैंड काफ़ी सॉलिड है और हैवी ड्यूटी है, बाकी स्टैंड पर माउंट करने के बाद मालूम पड़ेगा। एक मिल जाती है आपको डिटैचेबल पावर कोर्ड जिसके ज़रिए आप अगर टीवी मान लो ये ख़राब हो जाता है तो यू कैन इजीली रिप्लेस इट, आपको टीवी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो मिल जाते हैं स्क्रू जिससे पता लगता है कि एक स्टैंड में सिर्फ एक ही स्क्रू लगेगा। कुछ मिल जाती हैं ट्रिपल ए बैटरीज, एक वारंटी कार्ड, एक थैंक यू कार्ड फ्रॉम कूका, एक यूजर मैनुअल फॉर Y73 32 इंच एंड 43 इंच, एंड लास्ट में मिल जाता है रिमोट। ये रिमोट काफ़ी सही है क्योंकि इसमें जो आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब की हॉटकीज तो हैं ही, इसके अलावा जो चौथी हॉटकी है एंटी बैक्टीरियल रिमोट है कूका का, एंड इट्स लुकिंग सॉलिड, एवरीथिंग इज ग्रेट, एंड वॉल्यूम प्लस माइनस इनपुट म्यूट सारे बटन्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको एक ऑप्टिकल ऑडियो आउट मिल जाता है SPDIF के लिए, एक हेडफोन आउट है, इसके बाद दो HDMI मिल जाते हैं, एंड एक लैन पोर्ट, दो USB, एक एंटीना इन, और पीछे की साइड आपको मिल जाता है एक RCA पोर्ट जिसके जरिए आप AV पोर्ट समझ लीजिए, जिसके जरिए आप अपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट सिलेक्शन काफ़ी सही है, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों ये है कूका का Y73 फ्रेमलेस टीवी 32 इंच में, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमने रिमोट से स्टार्ट किया है। Y73 सीरीज इज वेरी गुड, Y73 प्रो इज बेटर बिकॉज उसमें मैट डिस्प्ले मिलती है। हमने Y73 प्रो 43 इंच का अनबॉक्सिंग की थी, अगर आपने चैनल पर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। फिलहाल ये 32 इंच का मॉडल है कूका फ्रेमलेस, काफ़ी अच्छा टीवी है, एंड जो फ्रेमलेस जो वाली बात बोल रहे हैं बाकी टीवियों से थोड़ी सी कम या बराबर की बेजल्स हैं, हाई एंड टीवियों की बात कर रहा हूँ मैं, तो बेजल लेस डिज़ाइन तो है ही, उसको आप छोड़ नहीं सकते। बट गूगल टीवी के साथ में आता है, गूगल टीवी वाली टीवीज़ में आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं लॉगिन करने के लिए, मतलब टीवी को सेटअप करने के लिए, सबसे पहले तो वाईफाई अकाउंट एंड सेकेंड है आपका जीमेल अकाउंट, एंड वो चीज़ें अपने आप लॉगिन हो जाती हैं अगर आपके पास गूगल होम का ऐप उपलब्ध है आपके फ़ोन में, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो। इट्स वेरी सिंपल, आपको बस एक QR को स्कैन करना है एंड ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले रिमोट को ब्लूटूथ से स्कैन करना है, असिस्टेंट बटन को आपको 3 सेकंड के लिए दबा होल्ड करके रखना है एंड वो ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ से पेयर हो जाएगा, एंड फिर आपको रिमोट को टीवी की तरफ पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इट विल कनेक्ट ऑटोमेटिकली एंड सब कुछ सीमलेस रहेगा। अभी देखिए सक्सेस लिखा आ गया है,
बस अब आपको ओके दबाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन भी आ रहा है, मैंने इंग्लिश इंडिया चूज़ किया है। इंग्लिश इंडिया चूज़ करने के बाद अभी हम यहाँ पे अपना इंडिया चूज़ करेंगे। हम भारत देश के वासी हैं, कहाँ है भारत, ये रहा इंडिया, भारत चूज़ कर लिया। आपको बस यहाँ पे सेटअप गूगल टीवी स्कैन करना है और अपने गूगल होम के ज़रिए इस QR कोड को स्कैन करना है जो अब आपकी स्क्रीन पर है, और टीवी को सेटअप कर सकते हैं। सेटअप करने के बाद हम आपसे होम स्क्रीन पर मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टीवी को सेटअप कर लिया है। एज यू कैन सी एवरीथिंग इज़ फ्लूइड, टीवी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, नो लैग नो हैंग। गूगल टीवी है तो आपको फॉर यू मूवीज़ टीवी शोज़ एप्स लाइब्रेरी के आपको टैब्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसमें एक एक्स्ट्रा हॉट की भी दी गई है, उससे आप ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर सिस्टम फंक्शन को लगा सकते हो चाहो तो, कि आप कोई सिस्टम फंक्शन HDMI में या फिर स्पीड अप या कुछ भी करवाना चाहते हो, एवरीथिंग इज हेयर। तो अभी मैं फिलहाल इसमें जियो सिनेमा का ऐप डालना चाह रहा हूँ इस हट की में। ये लो जियो सिनेमा का ऐप हो गया ऐड, और हम आगे बैक। अब जैसे ही मैं उस बटन दबाऊंगा तो जियो सिनेमा स्टार्ट हो जाएगा, एवरीथिंग इज ग्रेट। और एंड्रॉइड 11 पर ये काम कर रही है, कूका की फिल्मलेस टीवी, कुछ ऐप जले आते हैं, एक्सप्लेयर टीवी, यूट्यूब म्यूजिक और ये सब तो है ही है, डेली मैनेजर, कास्ट प्ले टीवी, डेली प्ले, मल्टीमीडिया प्लेयर, लर्न की कीबोर्ड प्रो, डेली की, ये कुछ हैं ऑप्शन, ठीक है कोई बात नहीं, इसे तो चलता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5, जियो सिनेमा, ये सब ऐप्स मिल जाते हैं। एंड आपको कंटिन्यू वॉचिंग वगैरह जो आप नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, बढ़िया चलता है। यूट्यूब पर कोई बढ़िया सा भजन चला दो, ये मैंने बोला है, और ये भजन चला देगा यूट्यूब को खोल के, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन। मैं नहीं चलाने दूंगा इसको, मैं बैक ले आऊँगा वापस, बिकॉज मुझे कॉपीराइट नहीं चाहिए किसी भी भजन राइटर या भजन सिंगर से। एंड होम स्क्रीन पर ही जो आज का कुछ है, जैसे इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे का मैच है तो वो दिखा रहा है, कुछ नई मूवी आई जियो सिनेमा पर पिल वगैरह वो दिखा रहा है, कुछ और भी कंटेंट जो नया नया लॉन्च होता रहता है वो दिखा रहा है। टीवी की ब्राइटनेस काफ़ी सही लग रही है। सेटिंग्स में जाके हम पिक्चर्स में जाके यहाँ पर इसको डायनेमिक मोड पर सेट कर लेते हैं। अभी एनर्जी सेविंग मोड पर है, यहाँ पे स्टैंडर्ड, यूजर, स्पोर्ट्स, विविड, मूवी, गेम, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे हम इसको विविड या डायनेमिक मोड पे सेट करते हैं पिक्चर क्वालिटी के टाइम पे, ताकि आप देख पाएं। एनर्जी सेविंग का पॉपअप आएगा, इसको बैक करके यहाँ से अभी हम USB से हाई क्वालिटी कंटेंट प्ले करेंगे, फिर नेटफ्लिक्स में कंटेंट प्ले करके आपको दिखाएंगे कि HDR में कैसी परफॉर्मेंस आ रही है। फिलहाल हम मीडिया प्लेयर ओपन करते हैं और कुछ कंटेंट प्ले करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमें ऐसा बोला गया था कि इसमें ब्लू लाइट वाला कुछ कंट्रोल वाला है, मिनिमाइज ब्लू लाइट एनिमेशन, जिसकी वजह से मैं भी शायद कुछ इफेक्ट पड़े, लेकिन ऐसा पड़ नहीं रहा है, बस आपकी आंखों को थोड़ा सा सेफ रखा जाएगा। कलर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, टीवी परफेक्टली हैंडल कर रही है कॉन्ट्रास्ट को। कॉन्ट्रास्ट होता है डीपेस्ट ब्लैक और ब्राइटेस्ट का रेशो, कॉन्ट्रास्ट रेशो बोलते हैं इसको, वो अच्छा आ रहा है। ब्राइट चीज़ें ब्राइट दिख रही हैं, डार्क चीज़ें डार्क दिख रही हैं। पैंडा जो है उसके बालों, व्हाइट वाले बालों को देखो और फिर ब्लैक वाले बालों को देखो, अच्छे खासा कॉन्ट्रास्ट आपको दिख जाएगा, डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक वाला पार्ट डार्क वो ब्राइट हो रहा है और व्हाइट वाला पार्ट डार्क हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राइटनेस काफ़ी सही है, कलर्स काफ़ी सही आ रहे हैं, मैं इसको ईजिली 9.8 पॉइंट्स दूंगा फिलहाल तो। कूका यहाँ पर काम अच्छा कर रहा है टीवीज़ के साथ में। White 73 पूरी सीरीज उनकी टॉप सीरीज आई है, इस सीन को आप देखिए कितना मस्त दिख रहा है भाई साहब, मज़ा आ गया। इसका जो क्या कहते हैं टॉर्चाइल एक्सट्रीम 2.0 का इनकी कोई टेक्नोलॉजी है, टॉर्चलेस एक्सट्रीम 2.0, इसके ज़रिए सारा प्रोसेसर है कि इनकी कलर्स वाली टेक्नोलॉजी है पता नहीं, बच्चों ये फैंसी टर्म है, इनको छोड़ो आप, इसके चक्कर मत पड़ो। कुल मिला के कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये हमने कह दिया वो वाली बात है। बाकी आप और भी कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं, अभी आप देखते रहिए। इसमें एक फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करी गई है, जिसके लिए नो कोई भी फ्लिकर नहीं होगा और कंफर्टेबल रहेगा ज़्यादा जब भी आप टीवी देखेंगे। तो एक विजुअल रिवोल्यूशन बताया गया था जो मैं बताया टॉर्चलेस एक्सट्रीम वाला, उसके जरिए HDR10 का सपोर्ट भी दिया गया है। हम नेटफ्लिक्स पर HDR कंटेंट डॉल्बी विजन वाला तो देखो नहीं चलेगा, HDR ही चलेगा, वो चला के दिखाएंगे आपको, वंडर ऑडियो वगैरह ये सब बाद में आपको दिखाएंगे। वैसे इसमें फाइंड माई रिमोट फीचर भी है, अगर आपका रिमोट खो जाता है तो आप टीवी के पावर बटन को दबा के आप रिमोट फाइंडर पे क्लिक करके रिमोट को ढूंढ सकते हो, एक अच्छा फीचर है। लेट्स प्ले सम कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे नेटफ्लिक्स में मैं कुछ डार्क कंटेंट चलाना चाह रहा हूँ, जिससे जिसमें HDR का सपोर्ट हो, बिकॉज वो कंटेंट थोड़ा और बेहतर चलेगा। जैसे अभी HDR मुझे कहीं वैसे दिख नहीं रहा है, HDR TV सपोर्ट तो करती है लेकिन नेटफ्लिक्स में करती है कि नहीं, ये बात भी आपको ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर HDR नहीं दिखाएगी तो कोई मतलब नहीं है ना। ओके, अभी तक तो सब HDR में ही HD में ही दिखा रहे हैं, कहीं भी मुझे HDR दिखा नहीं आया,
आई नो फॉर सर्टेनिटी कि ग्रेट इंडियन कपल शो SDR में आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ SD लिखा रहा है, तो नेटफ्लिक्स पे आप कंटेंट SDR में नहीं चला पा रहे हैं। ये कैवियाट निकल के आ गया है, आजकल लगभग सभी 720p की टीवी में HDR लिखा आता है, पर यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो अगर ये कह रहे हैं कि भैया SDR 10+ का सपोर्ट है, तो आई थिंक ये बोल रहे होंगे, या फिर बड़े टीवी साइजेस के लिए बोल रहे होंगे, पर 32 इंच में यहाँ पर नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ नहीं चल रहा है। बाकी आप समय चलेगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं, मे बी शायद नहीं चलेगा। नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो ला काफ़ी सिमिलर उस पर रखते हैं, जो सर्टिफिकेशन का भी रहता है वाइड वन वाली, उसका भी सीन हो सकता है, बट कुल मिला के HDR कंटेंट आप इसमें नहीं चला सकते हैं फिलहाल। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सही है। वैसे 90% ऑफ टाइम आप स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज वाला कंटेंट देखते हैं वो बहुत अच्छा चलेगा, उसमें आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। एंड टीवी अच्छा है, 9.8 मैंने पिक्चर क्वालिटी के पॉइंट्स दिए हैं। ऑडियो क्वालिटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों स्पीकर साउंड्स वेरी गुड, आप हाईस पे भी जा रहे हैं तो डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, सुपर हाईस थोड़े बहुत डिस्टॉर्ट हो रहे हैं। 20 वॉट के इसमें स्पीकर दिए गए हैं, डायलॉग क्लियरिटी काफ़ी सही है। ओवरऑल बात करें तो स्पीकर्स आर गुड फॉर अ टीवी ऑफ दिस प्राइस सेगमेंट, एंड बाकी सही है, पिक्चर क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी दोनों सही है, UI सही है। जब प्राइस है टीवी का वो है 11,000 रुपये, आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट आप इसे 10,000 रुपये 10,500 रुपये के आसपास ले सकते हैं। तो इस प्राइस सेगमेंट में एक टीवी काफ़ी सही है, फुल मेटल बिल्ड आता है, बाकायदा री इन्फोर्स वाला पीछे स्ट्रक्चर भी दिया गया है जो ज़्यादा सही है, मेटल जैसा स्टैंड मैं कहूँगा, एवरीथिंग इज नाइस एंड यू कैन गो फॉर दिस टीवी। हमने इससे सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करके स्टैंडर्ड डेफिनेशन के चैनल चला के देखे, हाई डेफिनेशन के चैनल चला के देखे, उनमें भी एक्सपीरियंस काफ़ी सही आ रहा था। हालांकि 720p में ही चलेगा, कोई ज़्यादा खास अपस्केलिंग वगैरह एक्सपेक्ट मत करना है इससे, बट एक्सपीरियंस इज नाइस एंड यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस टीवी। दोस्तों एक कुका का फ्रेमलेस टीवी 32 इंच, एक नॉर्मल सा डिसेंट सा टीवी है जो कि 11,000 रुपये में खरीदा जा सकता है, एक काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी एंड और साउंड क्वालिटी के साथ में आता है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, 9.8 मैंने दिए हैं ऑब्वियसली पॉइंट्स, तो लगभग एक नॉर्मल टीवी से बेहतर पिक्चर क्वालिटी आपको उसमें मिल रही है विद ग्रेट ड्यूरेबिलिटी एंड पोर्ट सेलेक्शन भी काफ़ी सही है, कोई प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए, वारंटी भी आपको बढ़िया मिल जा रही है, यू कैन गो फॉर ए टीवी। मेरी तरफ से टीवी के लिए थम्स अप है, अभी आपको देखना पड़ेगा कि इसके बदले में आप कोई और टीवी ले सकते हो कि नहीं, मैं कंपेरिजन करता रहता हूँ चैनल पे, तो बने रहिएगा, ऐसी बात नहीं है, टीवी अच्छा है लिया जा सकता है, अगर इसी को देखा जाए तो कंपेयर भी करोगे तो एक काफ़ी अच्छे अच्छे टीवी को पछाड़ देगा, मेरी तरफ से एक ह्यूज थम्स अप है, आप इसे खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक गेट सब्सक्राइब एंड अगर कोई सवाल रह गया हो तो एक्स थ्रेड्स इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हो, बाकी कमेंट कर दो आप तो जो भी है कमेंट का जवाब कोशिश करेंगे देने की। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।